शुरू होगी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित, तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बच्चे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उस्ताद बिल्ला जी की तरफ जाना, उन्होंने दावत की हुई थी, जितने भी दोस्तों के साथ उनका शौक हुआ है उनको उन्होंने मदु किया। ये मेरे ख्याल मेरी लाइफ में तो ये पहली बार हुआ है कबूतरबाजी के अंदर कि कोई बंदा बाजियाँ जीत के अपने हरीफों की दावत करे, ठीक है जी। बाकी अगर किसी के साथ ये पहले बीत चुका तो भाई इनको बता सकता है कमेंट के अंदर। बहरहाल मुझे तकरीबन 2006 से अब तक जो भी तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का ही अर्सा बनता है, तो आज तक मैंने ये चीज़ नहीं देखी। पहली मरतबा और मौके की कीमत जानते हुए जनाब हमने इनकी शीटें भी थी काफ़ी सारी, तो फोन आता बाद में मौके के साथ ही इनको नबेड़ेंगे क्योंकि टोटल 8 नाम थे मेरे पास, माशाल्लाह से वो देंगे। तो कोशिश करेंगे कि सीनियर उस्तादा कराम से इनको दिखवाएँ और अभी चलते हैं उस्ताद जी देंगे जी शीटें वगैरह और बाकी आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा भाई सारों को दिखा दो प्रमोट ही होएगा ले जी। ये बासित भाई सारों को एक बार आपने बचेगा जरूर केड़ी केड़ी पता नहीं बचेगा देंगे साथ दिला जी। तो यार उस्ताद देते हुए अच्छे लगते हैं ना, शील्डे जो भी है उस्ताद सीनियर है भाई। मैं बच्चे फाड़ फाड़ लाई जाते हैं इधर। भाई जान सिकंदर भाई इधर उस्ताद फाद भट साहब साडा सज्जन मित्र अरबाज साहब इधर उस्ताद तनवीर अवान साहब। हाँ जी उस्ताद जी, उस्ताद जी मेरे तजर्बे में ये पहली मरतबा है कि कोई हरीफों की अपने दावत करे, तो आपके काफ़ी सारा तजर्बा है तो ये पहले हो चुका आपके साथ ऐसा कोई मामला? तो हमारी समझ में ये पहली दफा ही हो रहा है ऐसा। पहली दफा ही है हमारी के साथ बाजियां भी हैं, फहद पर साथ भी हैं। हाँ जी और भी हो गए भाई, तो बाजियां खत्म हुई हैं तो साथ बिल्ला जी ने हमें दावत दी जी। इकट्ठे होने का एक बहाना होता है सारा, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हरीफ से मोहब्बत करते हैं और ऐसी करनी चाहिए। हाँ जी ये शौक को सही सिमत लेके जाए, दिलों में बात नहीं को रहेगी, कोई अदावत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये शौक है प्यार मोहब्बत का, तो साथ जिले ने ये साबित किया है शौक बाकी प्यार तमाम जितने भी शौकीन हजरात हैं उनको भी यही चाहिए, वो भी इसी तरह शुरू करता उन्होंने शुरू करता है जी। इस तरफ उस्ताद हैदर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। जी ये उस्ताद फहद भट साहब की छत पे होते हैं, उनके साथ ही शौक वगैरह करते हैं जी। उस्ताद जी आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारा तजर्बा होगा कबूतरबाजी का, तो ये वाला जो मामला आज चला है ये पहले कभी हुआ है? फर्स्ट टाइम ही है। तो ये इसका मतलब है कि उस्ताद बिल्ला इस काम के ट्रेंड सेटर हो गए। हाँ जी पहला और कितने भी नहीं है तो जिते कोई पार्टी हुई अपनी पार्टी कदा को बारो आ गया बनना हो या फंक्शन नहीं है सही है। यानी जी गैदरिंग भी माशा गैदरिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी है। हाँ जी शौकीन आदमी ने शो करने वाले ने जी हर गल समझते ने माशाल्लाह बड़ा बढ़िया बड़ा सब नु वेलकम अच्छा शौक का मजा बड़ा आया साथ मिले ना बहुत मजा आया शौक का पिछले सीजन में इन्होंने उड़े हैं ऐतकी भी उड़े हैं बहुत घट रही है इस तरह होने जिस तरह इन्होंने साडा शौक होया तो इन शाला तला नैक्सट टाइम भी इन्होंने होगा प्यार मुहब्बत ना हूँ इस टाइम सीजन ऑफ है साढ़े भरा ने सीजन ऑन भी रहे तो भरा ने सा हाँ जी ठीक है ना। लेकिन है कि बहुत अच्छा लगा सो इस तरह इन्होंने बनाया देख लो थोड़े सामने सारे ज्यादा इंशाला अल्लाह तला हिम्मत करे अच्छा शौक दिखा जी। अस्सलाम वालेकुम सर तेरे भाई व्हाट्सएप आपको भी बहुत मुबारकबाद और आपने ये बेहतरीन कप होगा सही ठीक है। उस्ताद बिल्ला स्वीग एयरपोर्ट में काफ़ी इनाम जीते हैं
जी उन्होंने आज सब हरीफों को अपने घर पर बुला के दावत दी है। ये उन्होंने ऐसे ही मिसाल कायम की है ताकि आने वाले वक्त में सब भाई कबूतर परवर भाई सब आपस में इसी तरह प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ शाना बशाना होके चले। सही। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह जब बाजियां खत्म हो जाए एक दूसरे भाई के साथ बैठ के इसी तरह खाना खाना चाहिए और इसी तरह इख्तलाफ रखना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम साजी। साजी क्या हाल है? ठीक है। तो साजी आपका भी माशाल्लाह से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है कबूतरबाजी का, ये जो आज काम उस्ताद बिल्ले ने कर दिया है ये पहले कभी हुआ है? हुआ तो नहीं है लेकिन ये मेरा ख्याल होना चाहिए क्योंकि आज अगर आप अपने हरीफ से लड़ेंगे हाँ जी तो फिर शौक कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, हरीफ से प्यार करेंगे फिर शौक होगा ना। हाँ जी ऐसे मेरा ख्याल है कि काम होने चाहिए और लोगों को भी यानी कि करने चाहिए आपसे प्यार मोहब्बत लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे शौक यानी कि प्यार मोहब्बत शौक बहुत अच्छा मेरा ख्याल है, लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। सही है सर, इसी है कि लड़ाई झगड़े ना खत्म हो जाए काम हो जाए यानी क्या। सही है ठीक, बहुत शुक्रिया सर जी। बाकी इस तरफ भाई वगैरह सारे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी क्या हाल है? ठीक है जी। सर जी सुनाए, आज माशाल्लाह से उस्ताद बिल्ले ने रौनके लगाई हुई हैं। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। हाँ जी दोस्तों के लिए देखिए, ये हरीफ ही आपका बड़ा अच्छा दोस्त है जी, उन्होंने साबित किया। तो हर एक को चाहिए किसी तरह शौक करें प्यार मोहब्बत से चले क्योंकि छः महीने साल बाद शौक आना तो इसी तरह प्यार से शौक करके अपना इंजॉय करें। आगे तीन चार महीने का उतरता भी बंद है लेकिन ये कि यादगिरी है और याद रहेगी जी, पार्टिसिपेट करेंगे। सही है सही है। ठीक हो गया सर जी, बेस्ट ऑफ लक है जी आपको नेक्स्ट सीजन के लिए। माशाल्लाह अच्छे परिंदे उड़े इस बार भी आपके, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे उड़ेंगे माशाल्लाह। सर जी जिवें कि उस्ताद हैदर जी ने होने गया के फर्स्ट टाइम में गया। हां जी बिल्कुल। देखो बाकी इधर भी दोस्त है बाप बैठे हैं जी। अपने सीने लाग बाजी उड़ावांगा इंशाल्लाह ताला। चार चाने मेरे उस्ताद ने लागे ने देखो जेडे मेरे तो वे ने मेरे सीनियर ने मैं मेरे उस्ताद ने मैं इज्जत करना बाजियां अपनी जगह ने लेकिन मैं अपनी इज्जत अपने वड्डे भाइयों वगू करांगा और मेरे बच्चे भी इस तरह उस्ताद जी तो वड्डे भाई तो अलावा कभी नहीं बोलणगे इंशाल्लाह। रही जिंदगी तो इंशाल्लाह बाजियां भी उठणगियां और प्यार भी इस तरह ही रहेगा इंशाल्लाह। आ गया जी माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਾ ਤਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਹਰੀਫ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਸਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੌਕ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਸੇ
मेरी बड़ साहब ने माशाल्लाह मेरी बड़ साहब ने 6 बाजी उठियां माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बाजियां जितते 3 मैच जितियां मैं कहना इस तो बड़ी गल नहीं प्रॉपर प्रॉपर कर शौक बारी कट हो गया कमाल हो गया पाजी लेवल टाइम दा पिया ना को रोए ते ना को हसे प्रॉपर प्रॉपर टोल भी प्रॉपर प्रॉपर बजे साजी गल दसा थानू शौक नहीं है इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी करे साडी भी करे इंजी प्यार बड़ा शौक हुंदा रहेगा साडे उस्ताद हरी माशाल्लाह उस्ताद उस्ताद दुल्ला साहब उन्हां दे असीं माशाल्लाह पार्टी ओनर आ ते माशाल्लाह साडे उस्ताद ने भी सिखाया भाजी ने वड्डे दी इज्जत करो और वड्डे उस्तादां नूं प्यार नाल करो और उन्होंने साडे ने यह ही मुहब्बत दी उन्होंने कि सारे नूं मिल जुल के चलो साडे उस्ताद हरी भी जिंदाबाद अल्लाह ताला जिंदाबाद अच्छा दोस्तों हमारे टूर्नामेंट जो मेरे रेगुलर देखने वाले उनको तो पता है 7 कबूतरों का 3 का और डबल मोर वाला ठीक है जी इस बार एक नया शुरू किया था हिट प्रवास का तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है हमारा ठीक है जी और 70 घंटे से ऊपर वाले पोजीशनों में आए हैं हमारे पास 7-8 छते थी लेकिन कंपटीशन बड़ा मज़ा आया तो साथ जी के तकरीबन सारे कपों में ही नाम है ठीक है जी 7 वाले में ज़्यादा है बहादुर कबूतर भी इनका है पहले से पहला भी इनका है ठीक है जी उसके बाद पोजीशनें भी इनकी हैं 3 वाले में भी हैं और किंग ऑफ द रिंग में भी दूसरे नंबर पर हैं 8 टोटल इनाम है और सारे उस्तादों को मैंने बुला लिया कि 8 के 8 इनाम इनके देने हैं ठीक है जी क्योंकि टाइम जो है ना सबके पास कम है तो जल्दी जल्दी इनाम देंगे ठीक है जी और वीडियो पूरी देखिएगा जल्दी नहीं है शादी अली छत पे बैठे हैं लो जी ठीक है ते सारे ये जी जो जीता वो सिकंदर 7 परिंदों वाला जी इसके अंदर अगर कैमरा कोई दिखा सके सारे कैमरे दिखा लो भाई ये बहादुर कबूतर का इनाम है 7 बजे पूरे कबूतर बैठा है इनका ठीक है होनी चाहिए साथ इधर ये जनाब इनका पहला बहादुर है पहले से पहला भी उस दिन इनका ही है 3:49:45 पे ठीक है जी इस तरफ जनाब इनकी एवरेज है 3rd पोजीशन और घंटे देख लें कितने हैं 70 घंटे ठीक है जी इधर किंग ऑफ द रिंग में इनका 3 मोर वाला कबूतर है टाइम देख ले 6:17:53 पे और 1-2 मिनट की हार जीत है ठीक है जी एक ये भी बहादुर कबूतर का ये 5 तारे का फड़ो 6:49:20 पे बैठा हुआ जी इनका कबूतर इधर ये 3 कबूतर है जी 3 के साथ 23 घंटे हैं 8 सितंबर का और चौथी पोजीशन है भाईजान माशाल्लाह जी आप इसी से अंदाजा लगा ले के लोगों के कबूतर कैसे उड़े उस्ताद जी के भी कम नहीं उड़े लेकिन कंपटीशन जो है ना वो मिनटों की गेम रही है और एक ये भी है जी तीसरी पोजीशन है घंटे देख लें फिर 69 है तो एक ये जनाब 3 कबूतरों वाले में इधर घंटे देखें 31 और दूसरी पोजीशन तो आयो पीछे वापस पीछे दोस्तों बारी बारी नहीं कहूंगा सारे दोस्त इनाम दो उस्ताद चलो जी तारक भाई देंगे जी बहादुर कबूतर का इनाम है इधर उस्ताद फाद बट साहब दे रहे हैं जी तीसरी पोजीशन का इनाम है 7 कबूतरों में 70 घंटे बहादुर कबूतर का इनाम दे रहे हैं उस्ताद तनवीर अवान साहब 7:29:29 पे ये परिंदा बैठा जी इनका माशाल्लाह माशाल्लाह जी भाई तालियां दे बजा दियो ये जी उस्ताद है इधर इनको इनाम दे रहे हैं उस्ताद बिल्ले औरों को थर्ड पोजीशन रिसीव करने आए हैं वकास भाई और 6 कबूतरों के साथ इन्होंने 69 घंटे 6 मिनट बनाए हैं क्या बात है जी क्या बात है वकास भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह उसके बाद जी उस्ताद लतीफ है जी उस्ताद लतीफ देंगे जी 3 कबूतरों के साथ इन्होंने बनाया 31 घंटे 35 मिनट साजी बुलाओ किन्ने रिसीव करना ओ भाई आ रहे हैं 3 कबूतरों के साथ 31 घंटे 35 मिनट और दूसरी पोजीशन है उस्ताद बिल्ले की ये भाई इनाम वसूल कर रहे हैं उस्ताद लतीफ साहब इनको इनाम दे रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है ये सुलेमान साहब हैं जी
इनके पास है जी किंग ऑफ दी रिंग की शील्ड है, ठीक है जी। तीन मोरों वाला परिंदा इनका दूसरे नंबर पे आया 6-17 पे बैठ के, तो सुलेमान साहब इनको इनाम दे रहे हैं जी, ये नामी शील्ड दिखा रहे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये तीन मोरों वाला कबूतर है जी। ले जी ले जी, माशाल्लाह। मेरे को भी कोई रिसीव करा लो। पहला बहादुर उस्ताद कामरान चौधरी देंगे जी इनाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जी मोने भाई के चाचू पप्पे को, चाचू पप्पे को। हाँ जी जनाब, 3:49:45 में इनका पहला कबूतर बैठा जी। माशाल्लाह जी, तालियां हैं, ठीक है जी। अब आखिरी नाम रह गया तो ये राणा नासर साहब इनको इनाम देंगे जी। तीन कबूतरों के साथ चौथी पोजीशन है, 23:45। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं दोस्तों, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। और इनाम गिन लेना दोस्तों, 8 इनाम थे इनके माशाल्लाह। तो अपने कंधों से हमने इनका सारा बोझ उतार दिया है, ठीक है जी। हम क्लियर है, इंशाल्लाह अगो मिलेंगे। सर्दियां का कपड़ा लिया दी जो नाम मिले सी कि मजा नहीं आया। मिसाल कायम की है, यकीन करो बहुत मजा आया। सारे दोस्त भरा एक बार क्लैपिंग, लो जी कप की अनाउंसमेंट सुन लो। कि मेरे व्यूवर्स को तो पता है, काफ़ी सारे दोस्तों को भी पता है, तो आज फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कुछ दोस्त यहाँ पे नए हैं, कि हम ना कत्ते के बाद या कत्ते का आखिरी इतवार प्रोग्राम हमारा बनता है सर्दियों में, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं दोस्तों के साथ मशवरा करके, कि हम एक टूर्नामेंट करवाएंगे फिर एरिए का सर्दियों के अंदर, इनको गरमा के रखेंगे, कुंदे इनके चला के रखेंगे अपने दोस्तों के, ठीक है जी, रमा रखेंगे, क्योंकि उस्ताद और उस्ताद कामरान साहब कहते हैं जी भा जी कुंदे चलने चाहिए ने, तो कबूतर बाद चलन गए कबूतर आखिरी इतवार होगा या अगर मौसम सही रहा तो वही उड़ेगा, वरना एक हफ्ता आगे कर लो जी। मेरे इस कप विच एक अनाउंसमेंट है, इस कप विच मैं अपने लो 10,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप करांगा। जिस नाम नु ये देना चाहन मैं उस बंदे नु 10,000 रुपए का नाम दिया। माशाल्लाह इंशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। ओके जी, ठीक है दोस्तों, वीडियो में अपनी एंट्री तो लावा, ठीक है वो अपनी एंट्री तो लावा, मैं 10,000 रुपए स्पॉन्सर करा। माशाल्लाह जी, लो जी, इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।